हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में बात करने वाले हैं संयोजकता बंध सिद्धांत की, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी। आइए वीडियो के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जो बीबीटी या संयोजकता बंध सिद्धांत है, वह है सबसे पहले सन 1927 में दो वैज्ञानिक थे, हाइटलर और लंदन, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत की जो भी विशेषताएं थी, उन्हें हम आगे देखेंगे कि इस सिद्धांत की क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी, लेकिन इस सिद्धांत में कुछ कमियां रह गई। उन कमियों को दूर करके उन्हें संशोधित रूप से संयोजकता बंध सिद्धांत को दो अलग वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया सन 1931 में। वो दोनों वैज्ञानिक थे पॉलिंग एवं स्लेटर। तो प्रतिपादन तो किया गया था हाइटलर और लंदन के द्वारा 1927 में, लेकिन संशोधित संयोजकता बंध सिद्धांत 1931 में प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? पॉलिंग एवं स्लेटर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि सहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण क्या होते हैं, और उन दिशात्मक गुणों के आधार पर सहसंयोजक बंध के प्रकारों की हम बात कर चुके हैं कि अच्छे अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बंध जो बनता है वह किस किस अतिव्यापन से बन सकता है। हमने बात की थी SS, SP और PP अच्छे अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है, जबकि PP संपार्श्विक अतिव्यापन से हमारा पाई बंध का निर्माण होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संयोजकता बंध सिद्धांत की। इसकी मुख्य विशेषताओं में यदि हम बात करें, तो सबसे पहले जो परिकल्पना बीबीटी के द्वारा दी गई, उस बीबीटी की परिकल्पना में यह कहा था कि जो परमाणु कक्षक होते हैं वो आपस में रेखीय संयोजन करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन से मतलब है किसी अक्ष पर आपस में अतिव्यापित होते हैं, आपस में संयोग करते हैं। परमाणु कक्षक आपस में रेखीय संयोजन, यदि वो रेखीय का मतलब है किसी अक्ष पर संयोजन कर रहे हैं, तो वहां पर अच्छे अतिव्यापन होगा, अच्छे अतिव्यापन से हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। और पीवीटी ने यह भी बताया कि कोई भी जो सहसंयोजक बंध बनता है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जिनके फलस्वरूप बंध बन रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म, वो दोनों परमाणुओं के मध्य में क्या रहता है? स्थानीकृत रहता है। स्थानीकृत का मतलब एक ही जगह, लोकलाइज्ड रहता है। पहली बात बीबीटी ने यह बताई कि जो भी परमाणु कक्षक है वो आपस में रेखीय संयोजन करते हैं। रेखीय का मतलब किसी अक्ष पर अतिव्यापित होते हैं। दूसरा ये बताया कि जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बंध बनता है, वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन दोनों ही परमाणुओं के बीच में क्या रहते हैं? स्थानीकृत रहते हैं। जैसे हम बात करें कि मान लीजिए हमारा कोई अणु है ए बी अणु, इन दोनों के बीच में बंध बन रहा है। हम ये जानते हैं कोई भी बंध हमेशा दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा हमेशा एक दूसरे से विपरीत होती है। तो जब हम दोनों के अतिव्यापन क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसका ये और उसका ये अतिव्यापन क्षेत्र बनता है। इसे हम बोलते हैं अतिव्यापन क्षेत्र, जहां पर अतिव्यापन होता है। ये दोनों परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं। मान लीजिए दोनों S और S कक्षक आपस में मिल रहे हैं, तो ये होगा हमारा SS अतिव्यापन। तो उससे पहले स्थिति ये थी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था। हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसका और ये इलेक्ट्रॉन इसका, लेकिन जैसे ही साझेदारी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉनों की पहचान विलुप्त हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ, अब हम यह नहीं पता लगा सकते बंध बनने के बाद कि ए का इलेक्ट्रॉन कौन सा है और बी का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, क्योंकि ए का अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है और बी का भी अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है। जितना बढ़ता है उसे हम बोलते हैं अतिव्यापन क्षेत्र। तो दूसरी बात यह आती है, पहली बात उसने ये बताई थी कि यहाँ पर परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन होता है। दूसरी बात ये बताई गई थी कि जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, दैट मीन्स जो भी साझेदारी में इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानीकृत होते हैं, दैट मीन्स लोकलाइज्ड होते हैं, कहीं भी स्थानीकृत डीलोकलाइज्ड नहीं होते, घूमते नहीं हैं। उन इलेक्ट्रॉनों की पहचान परमाणु के आधार पर विलुप्त हो जाती है, जबकि परमाणुओं की पहचान बनी हुई रहती है। दैट मीन्स ए की पहचान हमें पता रहती है, बी की पहचान हमें पता रहती है। तीसरा पॉइंट यही है कि परमाणु की पहचान जो है वो पूर्ण रूप से बनी हुई रहती है। दैट मीन्स हमें पता है कि ये परमाणु ए है और ये परमाणु बी है, लेकिन ये पहचान खत्म हो जाती है कि ए का इलेक्ट्रॉन कौन सा है और बी का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, लेकिन इनकी पहचान बनी हुई रहती है। आगे जब आप पीबीटी के बाद चूंकि एमओटी दी गई,
अणुकक्षक सिद्धांत, वहां आप देखोगे तो परमाणुओं की भी पहचान खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की पहचान तो खत्म होगी होगी, उसके साथ परमाणुओं की भी पहचान खत्म हो जाती है। लेकिन बीबीटी में ये परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं परमाणु कक्षकों में, उन्हीं की पहचान खत्म होती है, क्योंकि वो साझेदारी में भाग ले रहे हैं। परमाणुओं की पहचान बनी हुई रहती है, दैट मीन्स ए ए ही रहेगा और बी बी ही रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट जब हम देखते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी परमाणु कक्षक आपस में मिल रहे हैं, आपस में अतिव्यापित हो रहे हैं, मिश्रित हो रहे हैं और किसी भी बंध का निर्माण कर रहे हैं, जो परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं, उन परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा, वो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। दैट मीन्स जैसे ये और ये भाग ले रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऐसा था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा, एक में प्लस हाफ है तो दूसरे में माइनस हाफ। आपने चक्रण क्वांटम संख्या पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा वामावर्त है दक्षिणावर्त है, उस आधार पर हम प्लस हाफ और माइनस हाफ देते हैं। तो जो भी परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं, अतिव्यापित होते हैं और सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, तो जब अतिव्यापन होता है तो उन परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा, वो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। यदि समान होगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, जैसे मान लीजिए ये ए और बी आपस में मिल रहे हैं और इनमें चक्रण की दिशा इलेक्ट्रॉनों की ये है, तो इन दोनों में आकर्षण तो होगा लेकिन यहाँ प्रतिकर्षण ज्यादा प्रभावी होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। जब इन दोनों में चक्रण की दिशा परस्पर विपरीत होगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण नहीं होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात है कि मान लीजिए किसी अणु में जो सहसंयोजक बंध के द्वारा निर्मित हो रहा है, जो भी परमाणु है, यदि उसमें एक से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु के पास, तो वह एक से ज्यादा सहसंयोजक बंध बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा ऑक्सीजन है और ये हमारा दूसरा ऑक्सीजन है, मान लीजिए इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में इनकी साझेदारी कर सकते हैं और साझेदारी करने के बाद क्या बना सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन एक इसका और एक इसका, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन एक इसका और एक इसका। जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो हम यही तो लिखते हैं कि ऑक्सीजन और ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है, वर्ग 16 में है तो 6, इस ऑक्सीजन के पास मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इनको अपने अष्टक को पूरा करने के लिए दो चाहिए, मतलब इसके पास दो आ जाए और इसके पास दो आ जाए, तो ये क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉनों को इधर डिस्प्लेस कर दे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, दो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये, तो अब इसका अधिकार क्षेत्र कहां तक बढ़ गया, यहां तक। इसका अधिकार क्षेत्र कहां तक बढ़ गया, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, और इसके पास कितने हो गए, 8। क्योंकि एक बंद जो बन रहा है वो दो इलेक्ट्रॉनों से बन रहा है, तो एक बंद बन जाएगा यहाँ तो दूसरा बंद बन जाएगा यहाँ, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ होगा डबल बॉन्ड। लेकिन ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इस बंद में, उन दोनों के चक्रण की दिशा हमेशा क्या होती है, विपरीत होती है। यदि इस परमाणु किसी भी परमाणु पर एक से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है तो वो बंधन की क्रिया में भाग ले सकते हैं और वहां पर एक से अधिक सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पर क्या बन रहा है, दो बंध बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, एक बंध हमेशा दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, दो बंध बन रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहाँ हो रही है, 2 इसके और 2 इसके। अगला जो पॉइंट है जो वो ये है, बीबीटी के अनुसार ये कहा गया कि जो अतिव्यापन होता है परमाणु कक्षकों के मध्य, रेखीय संयोजन जो होता है उसमें अतिव्यापन की जो दिशा होती है उसी दिशा में ही बंध का निर्माण होता है। अर्थात जिस दिशा में अतिव्यापन होगा, परमाणु कक्षक आपस में एक दूसरे से मिश्रित होंगे, बंध निर्माण की दिशा, सहसंयोजक बंध के निर्माण की दिशा भी वही होती है। जितना अधिक अतिव्यापन होगा बंध उतना ही अधिक प्रबल बनेगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही दो परमाणु हैं, मान लीजिए एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है आप ये जानते हो, और दोनों हाइड्रोजन परमाणु जो एक दूसरे से परस्पर पहले बहुत दूरी पर हैं, अनंत दूरी पर होते हैं, पहले उन दोनों के मध्य में आकर्षण होता है, वो एक दूसरे से पास आते हैं, पास आने के बाद
आकर्षण जो होता है वो आकर्षण लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है, बढ़ने की वजह से वो दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं। लेकिन एक निश्चित सीमा तक पास आने के बाद उन दोनों परमाणुओं के नाभिकों में प्रतिकर्षण और उन दोनों परमाणुओं के हाइड्रोजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के मध्य में प्रतिकर्षण होना शुरू हो जाता है। तो आकर्षण जैसे जैसे बढ़ेगा बाद में प्रतिकर्षण प्रभावी होने लगता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान के बराबर हो जाए, उस स्थिति में दोनों परमाणु एक दूसरे की ओर विस्थापित होना बंद कर देते हैं। उस स्थिति में दोनों परमाणुओं के मध्य में जितनी दूरी होती है उस दूरी को ही हम बंद दूरी या अंतरानाभिकीय दूरी के नाम से जानते हैं। यह दूरी वह साम्य दूरी होती है जिस स्थिति में दोनों परमाणुओं के मध्य में आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान के बराबर हो जाता है। यदि उससे ज्यादा पास आएंगे तो प्रतिकर्षण ज्यादा प्रभावी होगा जो कि स्थायित्व को कम करेगा, यदि उससे ज्यादा दूर जाएंगे तो आकर्षण बल ज्यादा प्रभावी होगा, वो उनको पास में लाने की कोशिश करेगा। जैसे मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ कुछ इस तरीके से, मान लीजिए मेरे पास दो परमाणु हाइड्रोजन के हैं, एक परमाणु को मैंने दिखाया कि ये हाइड्रोजन का एक नाभिक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये है हमारा एच ए, ये मेरे पास है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये है एच बी, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, पहले अनंत दूरी पर है, ये है ई ए और ये है ई बी, इलेक्ट्रॉन के लिए ले लिया मैंने, ये दे दिया नाभिक है, मान लीजिए ये एन ए है और ये एन बी है। तो जब ये दोनों परमाणु एक दूसरे से बहुत दूरी पर थे तो ये पास आएंगे तो आकर्षण बल ज्यादा प्रभावी होगा, ठीक है। लेकिन जब एक निश्चित दूरी तक ये पास आ जाते हैं तो पास आने के बाद अब देखिए मैं किस प्रतिकर्षण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो समान आवेशों में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत आवेशों में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। तो जैसे ही और पास आएंगे तो एन ए का एन बी के साथ इस नाभिक का इस नाभिक समान आवेश से प्रतिकर्षण होगा, इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ प्रतिकर्षण होगा, इसलिए पास आना बंद कर देते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है जब आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान के बराबर हो जाए, उस स्थिति में इन दोनों परमाणुओं के बीच में जितनी दूरी बचती है उसी दूरी को हम बंद दूरी या अंतरानाभिकीय दूरी के नाम से जानते हैं। तो इस एच टू अणु की यदि हम बात करें तो वहां कितने प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं, देखिए इस परमाणु मतलब इस नाभिक का इसके इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगेगा, इस नाभिक का इसके इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगेगा, एच ए का इस पर आकर्षण बल, एच बी का इस पर आकर्षण बल, प्रतिकर्षण के बल क्या क्या लगेगा, इसका इससे प्रतिकर्षण होगा, इसका इससे प्रतिकर्षण होगा, इसका इससे आकर्षण होगा और इसका इससे आकर्षण होगा। तो यहाँ पर टोटल आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल है वो 6 है। कितने बल हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आपके दोनों परमाणुओं के नाभिक एक दूसरे के साथ प्रतिकर्षित होंगे, दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ प्रतिकर्षित होंगे, एक परमाणु का नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण बल लगेगा, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण बल लगाएगा, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल पहला, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल दूसरा, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर प्रतिकर्षण बल तीसरा, इन दोनों के नाभिकों के बीच में प्रतिकर्षण बल चौथा। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल यहाँ पर कार्य करते हैं। ये दोनों परमाणु एक दूसरे से इतने पास आ जाते हैं जब आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान के बराबर ना हो जाए, ऐसी स्थिति में मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। इन दोनों के बीच में जितनी दूरी होती है उसी दूरी को हम साम्य दूरी, अंतरानाभिकीय दूरी या बंद दूरी या बंद लंबाई के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन अणु के लिए पीवीटी सिद्धांत किस तरीके से दिया गया, उसके लिए तरंग फलन की व्याख्या किस प्रकार की जाती है, उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमने ये देखा कि बीवीटी को किस वैज्ञानिक ने दिया था, उन्हें संशोधित किसने किया, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो मुख्य विशेषताएं बीवीटी की यह है कि बीवीटी ये बताती है कि परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन होता है, दूसरी बात ये बताती है कि जो भी
साझेदारी के इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों परमाणुओं के मध्य में कैसे रहते हैं, स्थानिकृत रहते हैं। तीसरी बात ये बताती है कि इलेक्ट्रॉनों की पहचान तो खत्म हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का है, इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का है, लेकिन परमाणुओं की पहचान बनी हुई रहती है। चौथी बात ये बताती है कि जो परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं, अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा परस्पर कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, तभी बंध का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आगे के पॉइंट ये बताता है कि यदि किसी परमाणु पर एक से ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक से ज़्यादा सहसंयोजक बंध बना सकता है। और लास्ट पॉइंट ये बताता है कि जो अतिव्यापन होता है, अतिव्यापन की दिशा ही बंध निर्माण की दिशा होती है। मैंने आपको ये बताया कि जैसे ही बंध बनता है, दो परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं, तो उनके मध्य में कौन से आकर्षण और कौन से प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बीबीटी के अनुसार किस तरीके से तरंग फलन का उपयोग करते हुए संयोजकता बंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।